नमस्कार। ये एक मेरी थॉट है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, खास करके दिल्ली में रहने वाले एस्पिरेंट से MBBS के, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कि आप दिल्ली में OBC हो और नेशनल OBC नहीं हो। और उससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि जब भी नीट का फॉर्म निकला हुआ है तो बार बार वो आपसे कहते हैं, खासकर ओबीसी में ऐसा बहुत होता है, SC ST में ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप SC हैं तो फिर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इस देश, इस राज्य के SC हैं, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर अक्रॉस इंडिया इफ यू आर इन दैट लिस्ट। बट ओबीसी में ऐसा काफी किया गया है, खासकर पॉलिटिक्स के चलते हुए पिछले 15-20 साल से, कि कोई स्टेट आपको ओबीसी का दर्जा दे देता है तो आप नेशनल ओबीसी नहीं है, लेकिन एक स्टेट ने आपको ओबीसी दे दिया वोट के चक्कर में या इलेक्शन कैंपेन्स के चक्कर में। और जिसमें, क्योंकि हम MBBS में करते हैं, तो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि सर दिल्ली में ओबीसी हैं और पूरे इंडिया में ओबीसी हम नहीं है। अक्सर ये जाटों को दिया गया और ऐसे कुछ कम्युनिटीज को दिया गया। अब समस्या क्या है, और ये मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि जिनके पास दिल्ली ओबीसी है और इनको क्या करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन पहली बार मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो चाहिए स्टूडेंट्स सुने, चाहिए वीडियो सरकार तक आप पहुँचाइए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा MBBS इंडिया काउंसलिंग नहीं समझाऊंगा, वो बहुत मेरे वीडियोज है इस चैनल पे, तो आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। बट ब्रॉडली हम जानते हैं, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनको हम डीम्ड कहते हैं, और स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। अब अगर आप दिल्ली के अलावा किसी की भी बात करो, UP की बात करो, हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में लड़ से 4+1 5 सरकारी कॉलेज हो गए, अगरवा को मैं गिन रहा हूँ तो, या यूपी की बात करें जहाँ 30 पार हो गए हैं, पंजाब की बात करें जहाँ 4 हैं। तो मैं, सेम प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं पंजाब को ओबीसी हूँ, नेशनल ओबीसी नहीं हूँ। इमेजिन करते हैं, अब नेशनल ओबीसी है फिर तो बात अलग है। अब पंजाब की जो 1000 सरकारी सीटें हैं उसमें से 15% ऑलिंडिया कोटा में गई, 850 बची स्टेट के लिए, स्टेट के डोमिसाइल के लिए। उन 850 में मैं हूँ पंजाब का ओबीसी, या मैं यूपी का ओबीसी, या हरियाणा का ओबीसी, या राजस्थान में किसी भी और स्टेट का। तो उन 85% सीट में तो मैं पूरे 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हकदार हूँ, करेक्ट। लेकिन सर, और बाकी जो 15% जो ऑल्टा कोटा चला गया उसमें, तो मैं नेशनल में जनरल हूँ, तो चलो मुझे वो सीट में मैं जनरल के लिए फाइट मारूंगा। पर दिल्ली में 7 गिन के सरकारी कॉलेज हैं, उन 7 में सबसे बड़े बड़े जो 5 हैं उनकी सीट्स मैक्सिमम हैं, लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, UCMS, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्धमान महावीर। ये 5 की, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो इनकी जो काउंसलिंग है वो MCC कराता है, राइट। जो MCC बॉडी है उसमें, चूंकि आप वो नीट से डेटा उठाते हैं, तो आप लोग बन जाते हैं नेशनल ओबीसी। तो अगर आप नेशनल जर्नल है और दिल्ली ओबीसी है, तो इन 5 कॉलेज के ओबीसी रिजर्वेशन का आपको हमें फायदा नहीं मिलता, इवन फॉर दिल्ली कोटा, समझ रहे हो। तो ठीक है, नेशनल की ऑल्डे कोटा की सीटें गई, वो तो बात समझ में आ गई, जो मैंने आपको हरियाणा पंजाब यूपी के एग्जाम्पल दिया। लेकिन इन 5 कॉलेज के अंदर भी अगर आप दिल्ली ओबीसी हो तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता। सो दिल्ली ओबीसी होने का बेनिफिट सिर्फ 2 कॉलेजों में मिलता है, अम्बेडकर और NDMC, जिनकी लास्ट ईयर सीटें थी टोटल 125-160, 185, जिसमें आप 27% में आ जाओगे। पर यही आपको नहीं मिल पाता है बाकी 5 कॉलेजों में, और दिल्ली के कॉन्टेस्ट में 15 नंबर का फर्क पड़ जाता है अगर आप ओबीसी वर्सेस जनरल की बात करें। और शायद मैं 15 भी कमी बोलूं, शायद वो 20 नंबर पार हो जाते हैं, तो 20 नंबर बहुत होते हैं जब नीट के रिजल्ट आता है, और लास्ट में लोग पछताते हैं। तो ये जो दिल्ली ओबीसी वाले हैं, जो 2-4 नहीं है, अगर दिल्ली से 25,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 3,000 बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं जब भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं लास्ट में, तो उन्हें कहता हूँ, इस बार मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, खासकर जो 2022 के एस्पिरेंट है और जो आने वाले लोग हैं, कि आप ऑलरेडी इस चीज को पुटअप कीजिए अथॉरिटीज के सामने, कि वो जो 5 कॉलेज है 7 में से, उसमें हमें ओबीसी का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता, और उसमें हम एक तरह से जनरल की तरह क्यों आते हैं। ऑफकोर्स उसमें ओबीसी की सीटें हैं, और वो दिल्ली के उस बच्चे को मिलती है जो नेशनल ओबीसी की लिस्ट में आता है, पर दिल्ली के वो बच्चे जो दिल्ली ओबीसी की लिस्ट में आ रहे हैं और नेशनल जनरल है, उनको 5 कॉलेजों का बेनिफिट ओबीसी का नहीं मिल रहा।
सिर्फ उन दो का मिलता है जिसकी काउंसलिंग आईपीओ कंडक्ट करती है। तो इस बात को उठाइए, अभी समय है 3-4 महीने का, शायद जब तक काउंसलिंग रहेगी तब तक ये रूल वो लोग नोटिस करें, चेंज करें। और उन 5 कॉलेजों में जो दिल्ली कोटा होता है उसके लिए दिल्ली ओबीसी वाले को मिलना चाहिए, अगर वो नेशनल ओबीसी नहीं भी है तो इंडिया के बाकी सब स्टेट्स में होता है। तो मैं मुझे लगा कि अब समय है, नीट का फॉर्म निकला हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी आई थी सेम, और उसने बोला भी सर, जब मैंने उसको समझाई ये बात तो कहता सर हम एक काम करते हैं नीट के फॉर्म में अपने आपको ओबीसी भर देते हैं। तो मैंने कहा जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आपके पास तो है नहीं नेशनल ओबीसी, तो पता चले कि फॉरगेट अबाउट 5 कॉलेज में ओबीसी मिलना, पूरे ऑल इंडिया कोटा से या पूरी एमसीसी कॉलेज से आप बाहर हो गए, दीवार हो गए, क्योंकि आपने गलत जानकारी दी। तो वो पंगा मत लीजिए, पहले अपने आप इस प्रॉब्लम को ठीक करवाइए। तो नीट के फॉर्म में क्लियरली मेंशन है कि आप ओबीसी अपने आपको तब कहेंगे जब आप नेशनल ओबीसी की लिस्ट में है, तो वो हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो कि आप नेशनल ओबीसी नहीं हो पर स्टेट वाइज ओबीसी हो, और जैसा कि मैंने कहा दिल्ली के अलावा सभी स्टेट्स वाले को बहुत दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 85% सीट्स तो आप में आप ओबीसी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दिल्ली में दिक्कत यह है कि 7 में से 5 कॉलेज की काउंसलिंग चूंकि एमसीसी करा रहा है और एमसीसी का डेटा नीट से एज इट इज आ जाता है, तो हम कैटेगरी वहां पर चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये देखिए, जो दिल्ली ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो नेशनल जनरल है दिल्ली ओबीसी हैं, कि आप अपने हितों की रक्षा कैसे करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और MBBS 2022 के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे काउंसलिंग पैकेजेस के लिए। फिलहाल तो मैं खुद ही कहता हूं कि आप एक नॉमिनल अमाउंट देकर हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आपको इस तरह की सारी जानकारी है या जो फॉर्म निकलेंगे नीट रिजल्ट तक वो बताते रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि नीट के मार्क्स के हिसाब से आपका काउंसलिंग पैकेज हम डिसाइड करते हैं, हमारा पैकेज सबके लिए सेम नहीं होता। फिर भी जो उनसे जुड़ना चाहता है 9643362320, ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, उसको देख के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।